ईसा का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री यह कहते हुए भुनभुनाते थे, यह मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। इस पर ईसा ने उनको यह दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा अपनी समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया और वहां उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया, जिसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने भेजा। जो फलियां सुअर खाते थे उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, लेकिन कोई उसे उनमें से कुछ नहीं देता था। तब वह होश में आया और यह सोचता रहा, मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों को जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती है और मैं यहां भूखों मर रहा हूं। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है, मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा, मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। तब पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है, मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसको पहनाओ और इसकी उंगली में अंगूठी और इसके पैरों में जूते पहना दो। मोटा बछड़ा भी लाकर मारो, हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह बेटा मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है। और वे आनंद मनाने लगे। उसका जेठा लड़का खेत में था। जब वह लौटकर घर के निकट पहुंचा तो उसे गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने एक नौकर को बुलाया और इसके विषय में पूछा। इसने कहा, आपका भाई आया है और आपके पिता ने मोटा बछड़ा मारा है, क्योंकि उन्होंने उसे भला चंगा वापस पाया है। इस पर वह क्रुद्ध हो गया और उसने घर के अंदर जाना नहीं चाहा। तब उसका पिता उसे मनाने के लिए बाहर आया, परंतु उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देखिए, मैं इतने वर्षों से आपकी सेवा करता आया हूं, मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, फिर भी आपने कभी मुझे बकरी का बच्चा तक नहीं दिया ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। पर जैसे ही आपका यह बेटा आया जिसने वैश्याओं के पीछे आपकी संपत्ति उड़ा दी है, आपने उसके लिए मोटा बछड़ा मार डाला है। इस पर पिता ने उससे कहा, बेटा, तुम तो सदा मेरे साथ रहते हो और जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है, परंतु आनंद मनाना और उल्लसित होना उचित ही था, क्योंकि तुम्हारा यह भाई मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है।